नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका फिनिक्स पे चैनल में स्वागत है। ये चैनल कानून के बारे में है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लें। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कैसे किया जाता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब आप फाइल कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है डिवोर्स लेने में और कितना पैसा खर्च होता है। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डिस्कस करने से पहले ये मेरा ऑर्डर है आप सबको कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये लॉ के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल डिवोर्स की, म्यूचुअल डिवोर्स किसे कहते हैं पहले मैं वो डिटेल में बता देना चाहती हूँ। म्यूचुअल डिवोर्स वो होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही एग्री करते हैं एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए। ऐसे डिवोर्स को म्यूचुअल डिवोर्स कहा जाता है। इस डिवोर्स को फाइल करने के लिए आप कब फाइल कर सकते हैं? एज पर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कोई भी डिवोर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल डिवोर्स हो या फिर वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो, आपको फाइल करने के लिए 1 ईयर ऑफ सेपरेशन ज़रूरी होता है। इसका मतलब शादी होने के बाद 1 साल का सेपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स का या दूसरे डिवोर्स का एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि वो कंपल्सरी हो चुका है, और दूसरा होगा दोनों का एड्रेस प्रूफ। अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत में ही आप म्यूचुअल डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत में पहले 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड हुआ करता था। इसका मतलब था कि अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, कोर्ट में केस फाइल करते हो डिवोर्स का, म्यूचुअल डिवोर्स का, तो आपको 6 महीना रुकना पड़ता था, उसके बाद में ही डिवोर्स आपको मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जो 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है उसे वेव ऑफ कर दिया है, इसका मतलब उसे हटा दिया है। तो अब म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 6 मंथ्स का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप केस फाइल करते हो, उसके तुरंत बाद में ही एक हियरिंग होती है और डिवोर्स का काम हो जाता है। किस ग्राउंड्स पे आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हो? देखिए, डिवोर्स दोनों ही तरह के डिवोर्स में जो कुछ ग्राउंड्स क्लियरली दिए गए हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, उसी ग्राउंड्स के तहत में ही आप फाइल कर सकते हो। पर अधिकतर जो म्यूचुअल डिवोर्स में जो ग्राउंड्स लिया जाता है वो ग्राउंड्स होता है सेपरेशन का, और क्रुएल्टी का ग्राउंड्स इसमें अधिकतर लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाता है। तो यूजली सेपरेशन का ही ग्राउंड लिया जाता है, और साथ साथ में ये भी कह दिया जाता है कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के साथ में मैच नहीं हो रहा है, वो भी डाल दिया। तो वो एक ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन उसे ऐड कर दिया जाता है। बेसिकली सेपरेशन का ही ग्राउंड लिया जाता है। टाइम और मनी, कितना समय लगता है? देखिए, जो म्यूचुअल डिवोर्स का एप्लीकेशन आपने फाइल किया कोर्ट में, वो पहला आपका जो पहला काम रहता है। दूसरा जो डेट पड़ता है उस डेट में कोर्ट में पूछा जाता है एक दूसरे से कि आप क्यों एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं, आपने जो भी ग्राउंड्स जो दिया है क्या वो सही ग्राउंड्स है, आप मानते हैं उस ग्राउंड्स को। कभी कभी बच्चे भी होते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के एप्लीकेशन में, तो उन बच्चों का कस्टडी किसके पास रहता है और क्या एक दूसरे इस कंडीशंस को मानते हैं। कभी कभी मॉनेटरी सेटलमेंट भी रहता है उसमें, तो क्या उस मॉनेटरी सेटलमेंट्स की को भी एक दूसरे मानते हैं। ये सारी बातें जो एज़ पर आपकी एप्लीकेशन में लिखी जाती है, ये जज साहब दोनों से ही पूछते हैं और दोनों को ही जो एप्लीकेशन दिए हैं उसके हिसाब से जवाब देना पड़ता है। और ये दोनों को सुन के इनका एविडेंस या इनके गवाही जिसे बोलते हैं वो कोर्ट उसे रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद में म्यूचुअल डिवोर्स दे देता है। तो बेसिकली इसका जो टाइम जो लगता है वो आपका 2 से 3 डेट का होता है। अब ये जो डेट्स होते हैं कोर्ट के, ये कोर्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। कभी कभी कोर्ट क्या होता है कि 1-1 महीने का ही डेट दे देता है, और कभी कभी वो डेट्स 2 महीने के भी हो सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन दैट वो टाइम हो जाता है। पर बेसिकली अगर हम डेट्स की बात करें तो म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन ज़्यादातर 2 से और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेट्स में ख़त्म हो जाती है। पैसा, अब देखिए, ये आपके वकील के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस वकील को लिए हो और वकील का अपना फ़ीस क्या है। तो इस पर फिर भी अगर हम एक अमाउंट डालें तो कम से कम 10,000 से लेकर अधिक से अधिक 40 या 50,000 तक की राशि इसमें खर्च हो सकती है। ये देखिए पार्टीज़ के ऊपर में भी डिपेंड करता है और लॉयर के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पार्टी हो और आप किस टाइप के लॉयर हो, तो वो उस चीज़ को मैटर करता है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 10,000 तो लगता ही लगता है इसमें। तो चलिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मेरे चैनल को, और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आपको कोई सवाल है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, प्लीज़ इसी में आप ईमेल करें अपने जो भी सवाल हो। थैंक यू।